हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। तो भाई, कल यूएस मार्केट में एफओएमसी मीट के बाद हुआ है बड़ा धमाका, और सारे रॉबिनहुड जो शॉर्ट करके बैठे थे फेल दिए गए। ठीक है, सबसे बड़ा गेम तो यूएस मार्केट में चल रहा है यार। बहुत लोग बोलते हैं, मतलब टीम में ही लोग बोलते हैं कि सर फ्री में ही वीडियो डाल रहे हो, तो कम से कम शाम को डाल दो, ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। भाई एक बात बताओ, कल अगर मैं कुछ भी वीडियो डाल देता शाम को, उससे क्या फर्क पड़ना था भाई? तुमको पता ही नहीं है यूएस में क्या हुआ कल। मैं लॉन्ग शॉर्ट क्या ये वो सब बता देता, दोनों तरफ की लाइनें खींच के इसके ऊपर वाय उसके ऊपर सेल ये सब कर देता, उससे क्या होना है यार। जो मूव दिया है यूएस मार्केट ने कल रात में एफओएमसी मीट के बाद, जो सही ओपिनियन बनेगी वो अभी बनेगी। ठीक है, तो सही चीज सही होती है चाहे वो एक करे, और गलत गलत होती है चाहे वो हजार करें। तो मेरे ख्याल से सही चीज यही है कि भाई कोई, अगर आप एक पब्लिक फिगर हो और लोग आपसे कनेक्टेड हैं, तो मार्केट पे व्यू सुबह ही बनाया जा सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट पूरी ग्लोबल मार्केट्स का इंजन है। जब तक वो नहीं, इंजन नहीं चलेगा, तो आप अपना डिब्बा चला के क्या करोगे। ठीक है, तो कल कोई मतलब नहीं था वीडियो बनाने का। अब आज मूव आया है, यूएस मार्केट्स ने कल डे हाई पे क्लोजिंग दी है, फ्यूचर स्ट्रांग है। आज मैं जो बात करूंगा वो ज़्यादा रिलेवेंट होगी। ठीक है भाई, तो आज देख लेते हैं क्या हो सकता है। सब कुछ हरियाली वापस आ गई है एकदम मार्केट में, और इसीलिए मैं बोल रहा था कल प्रॉफिट बुक कर लो, ऑप्शन राइटिंग में तो बिल्कुल बुक कर लो। इवेंट डे के पहले कभी पोजिशन कैरी नहीं करनी चाहिए। जो भी करो मतलब बैलेंस करो, दोनों तरफ के लिए रेडी रहो। तो उसी तरह का कुछ मैंने पोजीशन किया अपने आप को, और दिखा देता हूँ बाकी लोगों ने भी सब ठीक ठाक अपने आप को पोजीशन किया है। ठीक है भाई, तो ये तो है एकदम कल से करीब करीब 1% ऊपर है ना, तो गैप अप 150-200 पॉइंट होना लगभग तय है। और ये अपने लोस से कल 2% ऊपर आ गए यूएस मार्केट। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बात करें कि भाई टेपरिंग उन्होंने बोला है कि तेज़ी से करेंगे, और इंटरेस्ट रेट हाइक भी करेंगे। मार्केट ने उसको पॉजिटिवली ले लिया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइंस पे था ये। वो 50 रैशनल दे दो आप उसके, लेकिन बात यही है कि अगर आप फियर इंडेक्स देखो तो लोग फियर में ही थे, मतलब मोस्टली पब्लिक बाय करने को तैयार नहीं है, वो मार्केट कंसेंसस के अगेंस्ट ही चलता है। तो यूएस में बहुत लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे, या किसी की बाय करने की हिम्मत नहीं होगी, और वापस अभी यहीं आ गए है ना। तो मार्केट में वही है कि जो कंसेंसस हो उसके अगेंस्ट ही मार्केट चलता है। तो ये भी वापस अपने हाई पर है। ठीक है, ये कुछ खास उतने नहीं बड़े हैं, मतलब जितना 2-3 दिन पहले के लेवल से उतने ही हैं। उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ, सेम विथ एशियन मार्केट। ठीक है, ये सब कल से 600-700 पॉइंट ऊपर है, मतलब 1-2% कल से सब ऊपर है। एक ये थोड़ा सा नीचे ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं इनका इंटरनल कुछ न्यूज़ होगी, ये अराउंड कल के लेवल के आसपास ये रिकवर नहीं किया, और बाकी सब देखो तो ठीक ठाक हरियाली है। तो मुझे लगता है कि गैप अप में ये जो है फैक्टर इन कर लेगा मार्केट। तो उससे होगा क्या कि गैप अप में मुझे कॉल राइटिंग का मौका अच्छा मिलेगा। ठीक है, 17,400-1,800 पे देखा जा सकता है। ठीक है भाई, तो रीज़न क्या है कि बाकी दुनिया के मार्केट उतना नहीं बढ़ रहे, वो है डॉलर इंडेक्स। ये टस से मस नहीं है, ये वहीं पर ही है। ठीक है, ये तो नीचे नहीं आया, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा स्पाइक मारा था इसने, और अभी वहीं कहीं वापस रेंज में है। ठीक है, 1 आवर के इसमें है, और डेली पे देख लो तो कहीं कुछ खास कुछ एक्शन नहीं है, है ना। अगर ये गिरता तो हमारे मार्केट्स में जो एक क्या बोलते हैं फ्रेश ट्रेंड बन सकता था, जो कि हमको भी ऑल टाइम हाईस तक ले जा सकता था, जैसे यूएस जा रहे हैं। अब भाई यूएस का मार्केट थोड़ा सा क्लोजली देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन वही है ज़्यादा। तो इसमें क्या दिखाऊँ यार, यही था यार, जो डाइवर्जेंस है ना ये अभी भी है, और जो ट्रेंड है मतलब वो उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। तो अब
बोल नहीं सकते यार, इसको दूसरे एंगल से ये ले सकते हैं कि ये बार बार 3 4 5 6 बार जो है ये अपने हाईस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है इसका है ना वो वीक होता जा रहा है, और ये ब्रेकआउट देखे और RSI वगैरह वापस ऊपर आ जाएगा, ये हो सकता है क्योंकि ये सांता रैली और पूरा साल इतना अच्छा रहा है सेंट्रल बैंक्स के लिए, क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे, क्यों मार्केट को गिरने देंगे। इसलिए कल मैंने बोला था कि दिसंबर वगैरह के जो भी हैं उसमें मत रहो, इसके बारे में पढ़ लो भाई, डायरेक्शनल इंडेक्सेस क्या होते हैं है ना। मैंने होमवर्क दिया था पहले, अभी फिर से होमवर्क देता हूँ, बट इसका मतलब यही है अभी कि ये जो ट्रेंड है ये वीक है, जो अब ट्रेंड यहाँ से आया है ठीक है, ओवरऑल ये वीक है। निफ्टी में भी मैंने आज देखा था वो ठीक है, और हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो स्ट्रांग है ठीक है, ये देख लेना। और कुछ दिखाना था S&P में, ये देखो यार 100 DMA S&P अभी 10 DMA के आसपास से ये सपोर्ट लेके 2 3 बार बाउंस किया है, और कुछ नहीं RSI में डाइवर्जेंस है और ट्रेंड का स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। एक नई चीज़ बताता हूँ भाई इसमें, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग मैथमेटिक्स में अच्छे हैं उनको बहुत मज़ा आएगा, मतलब मार्केट को रीड करने में बहुत मज़ा आता है, और जनरली वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यार ये एक मैंने बनाया मूविंग एवरेज चैनल ठीक है, मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये हाईज का एवरेज है, और ये नीचे वाली जो लाइन है वो लोज का एवरेज है, मतलब दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ठीक है यार। तो ये चैनल है 20 डे का, उसके पहले ये देखो 100 DMA अभी कितना है, 17,291, 17,300 के पास फाइट रहेगी मार्केट में है ना, ये 100 DMA वापस अपना मार्केट को नीचे खींचता रहेगा। तो मूविंग एवरेज चैनल का भाई ऐसा है कि अगर आप देखो तो जब ये मूविंग एवरेज चैनल के नीचे मार्केट ने ब्रेक दिया तो यहाँ लोअर इस पे रेजिस्टेंस लेता रहा, किसी तरह वापस आया हाईस पर आया, जब इसने हाईस को टच किया इस चैनल के तो तगड़ा रेजिस्टेंस लेके नीचे आया ठीक है, और फिर अपने लोस जो लो वाला मूविंग एवरेज है चैनल का लो, वहाँ से तगड़ा रेजिस्टेंस लिया, अभी किसी तरह वापस आया और जैसे ही चैनल के अपर एंड पे गया फिर तगड़ा रेजिस्टेंस लिया, अभी ये वापस चैनल में जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो इससे क्या समझ में आता है, बढ़िया शॉर्ट कहाँ बनता है, मूविंग एवरेज चैनल के अपर एंड पे जो कि 17,500 के आसपास है, और जो कि आराम से जा सकता है ना, सांता रैली ये सब में, तो वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी रहेगी ठीक है। ये होमवर्क लो, डायरेक्शनल इंडेक्स के बारे में ही पढ़ो, ये अभी इम्पॉर्टेंट है जब मार्केट एक नया ट्रेंड बनाता है उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है ये सब देखने के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। एक और चीज़ बताता हूँ, ये 20 डे का हो गया है ना, अगर इसी को हम 40 डे का कर दें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी। जब मार्केट ने 40 डे वाला चैनल ब्रेक किया ठीक है, ये डेट थी कब, 18 नवंबर, आज लगभग 1 महीना हो गया है ये उस चैनल में वापस आया ही नहीं है, जब भी इसने कोशिश की 40 डे चैनल में वापस आने की तो बहुत तेज़ी से रिजेक्शन आया है ठीक है। लगभग 1 महीना हो चुका है ये अपने 40 डे वाले चैनल के में नहीं आया है, ऐसा पिछली बार कब हुआ था ये देखना ज़रूरी है ठीक है। 40 डे मतलब 1 महीने तक नहीं आया हो ठीक है, यहाँ तो बीच बीच में आता रहा ठीक है, ये कोविड क्रैश के टाइम पे था ऑब्वियसली, यहाँ पे तो सारे इंडिकेटर ये देखना ही बेकार था, बट 1 महीना यहाँ हो गया था जो भी है, उसके बाद एक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पकड़ा था ठीक है। और इधर देख लेते हैं, सभी ऊपर ही रहा, एक ये पीरियड है यहाँ पर 1 महीने तक, ये कौन सी डेट थी जब इसने तोड़ा था, 8 जुलाई 2019 से लेके 19 जुलाई, और मतलब 15 20 दिन वहीं घूमता रहा, चैनल में वापस नहीं आ पाया, और तगड़ा ब्रेकडाउन दिया ठीक है। 2019 की बात है आई थिंक, मोदी इलेक्शन इलेक्शन होने के बाद ठीक है, और कहाँ हुआ था ये, फिर 2018 में ही हुआ था ये, इसने चैनल तोड़ा और तगड़ा डाउन ट्रेंड दिया ठीक है, यहाँ पे
ज़्यादा टिका ही नहीं है, तो सीधा ही फ्री फॉल टाइप था। ठीक है, ये भी कब की, 2018 की बात है। ठीक है, यहाँ तो बीच में एक दो बार आया, लेकिन यहाँ यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ भी एक आध महीने या कुछ दिन ये चैनल के नीचे रहा और तगड़ा ब्रेकडाउन नीचे आया। तो ये चीज़ खुद भी देख सकते हो, है ना, पूरा देखो पास्ट का। यहाँ पर भी एक आध महीने नीचे रहा और फिर ब्रेकडाउन आया। तो ये सब देख के मुझे लग रहा है जनवरी फरवरी में अच्छा खासा गेम हो सकता है, या कहो दिसंबर के लास्ट वीक में भी हो सकता है। ठीक है, ये होमवर्क ले लो, ये खुद भी देख सकते हो। और मार्केट खुलने वाला है, तो जो भी है आज यार अपॉर्चुनिटी है। मैं कॉल राइटिंग करूँगा तो वीडियो क्लोज करता हूँ फटाफट। ठीक है यार, ये वीकली ट्रेंड लाइन है, देखो यहाँ पर 17700 जो भी है ट्रेंड लाइन टच करेगा तो बहुत बड़ा मौका रहेगा वो। ठीक है, एक और चीज़ ये बताना था मुझे, मंथली में आप कैंडल्स देखो पिछले 3 या 4 महीने की, बहुत बड़े इनके हाईज हैं विक, और उनसे काफ़ी नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब ठीक है, ये इसमें मत जाओ बॉडी वेक ये वो, कुछ टेक्निकल मैं ट्राई करता हूँ अपना चैनल को सिंपल से सिंपल रखूँ। ठीक है, शुद्ध देसी ठेठ हिंदी में जो समझा सकता हूँ वो समझाऊँ। तो ये देखो कि अपने हाई से कितने नीचे क्लोज हो रहा है, और पिछले 3 महीने 4 महीने देख लो। ठीक है, हाई जो बनाता है उससे लो कितना नीचे, हाई जो बनाता है उससे लो कितना नीचे। तो ये एक बहुत मतलब कितना बड़ा इंडिकेटर यार कि हर हाईस पे मंथली वही मंथली टाइम फ्रेम सेलिंग आ रही है, मतलब वही ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ये है। और मैं बता देता हूँ भाई, कल कुछ पोस्ट किए थे, ये देखो नो ऑप्शन राइटिंग पोजीशंस बिफोर द इवेंट, सब क्लोज कर दिए थे और बड़े तगड़े प्रॉफिट बुक किए थे। 100-150 पे ऐसे प्रीमियम लिए थे और बहुत सस्ते में 16 पे बुक किए, कोई 23 पे, आज ये सब 100 के ऊपर मिलेंगे। मतलब हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है तो शायद, वो तो डिपेंड करता है मार्केट। ठीक है, 130 पे बेचा था, 11 पे बाय किया, 107 130 पे बेचा था, 8 पे बाय किया। ठीक है, बड़ा तगड़ा ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है, एंड नाउ प्लेइंग स्लो आफ्टर हिटिंग बिग सिक्सेस, पोजिशन साइज शुड रिड्यूस मिनिमम 50%। तो ये देख सकते हो, अभी मैं थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ तो पब्लिकली ये सब दिखा रहा हूँ, बाकी जो लोग ज्वाइन हैं उनको तो पता ही है। देखो लोगों ने भी प्रॉफिट बुक कर लिया कॉल राइटिंग में, 70% लोगों ने कल टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, और बाकी भी जो 20% होंगे उन्होंने सेकेंड हाफ में कर लिया। कुछ हैं जो शायद उन्होंने दूर की कॉल राइटिंग की होगी, या मैक्स लॉस देने को तैयार हैं, या पेयर किया होगा, जो भी है, बट मेजॉरिटी लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, दिसंबर पुट्स का मैंने बोला था भैया कल कि किसी के पास हूँ तो भैया निकल लो, ठीक है, शिफ्ट कर लो, टाइम बाय करो, अदरवाइज़ किस्मत है मार्केट कल गिरा, गैप डाउन हुआ, ठीक, नहीं तो पावेल भाई साहब आपके अकाउंट को कंट्रोल करेंगे, आप नहीं करोगे। तो दिसंबर के पुट्स आज देखना, 17,500-18,000, 17,500 वगैरह देखना, ये शायद हो सकता है 20-30-40% आराम से गिर जाए। और उसके अगेंस्ट आप देखना मार्च के फरवरी के, शायद 10%, 5%, 15% भी ना गिरे जनवरी वगैरह के, है ना। तो भैया अपने अकाउंट की चाबी पावेल के हाथों में दोगे तो पेल दिए जाओगे, ये इसीलिए कल मैंने तो अपनी तरफ से टाइमली वॉर्न कर दिया था। ठीक है, और जो भी है सब जनवरी फरवरी मार्च यहीं पर ही है। तो ये जनवरी फरवरी मार्च का क्या है यार, ये 100-200 पॉइंट बाउंस आएंगे, एंजॉय करो, 10% पुट गिर गए कौन से दुनिया हिल रही यार, तुम्हारे पास 2-3 महीने का टाइम है, एंजॉय। ठीक है, बहुत लोगों ने पेयर करके रखा है तो उनके लिए तो ये बाउंस अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, कुछ शॉर्ट्स में, और ये लोग हैं ये तो शायद देखते भी नहीं होंगे मार्केट रोज़ रोज़। ठीक है, ठीक है, ये लोग हर्ट होंगे जो 8% हैं, क्योंकि अब वो तो मार्केट है, लाइव मार्केट अगर गिरने लगा खुलते से ही तो फिर ठीक है, किस्मत नहीं तो ये तो हर्ट होंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं जो आराम से अपना वेट कर रहे हैं कि ठीक है, बट मोस्टली या तो पेयर्ड हैं या दूर में, मतलब सेफ हैं। ठीक है, किसी ने किसी का अकाउंट नहीं उड़ने वाला, मुझे जो ज्वाइन किया है मुझे नहीं लगता किसी का अकाउंट उड़ने वाला है, तो यही मैं चाहता हूँ यार, रिस्क मैनेज हो, प्रॉपर लोग प्रोफेशनली ट्रेड करें। ठीक है, बहुत कुछ पोल भी कराए थे टीम ने,
तो ठीक ठाक लोग प्रॉफिट में ही हैं, बहुत लोग कॉस्ट में या लॉस में हैं क्योंकि दूर के ऑप्शंस में हैं और जो भी है, कुछ वीकली वाले होंगे, पिछले हफ्ते पेल दिए है, कुछ हो सकता है भाई कुछ जो नए ज्वाइन किए हैं वीकली वगैरह या मंथली में ट्रेड कर रहे होंगे तो उनको भी या तो कॉस्ट या लॉस नहीं है। बाकी ये देखो तो अच्छा नंबर है, 60-70% लोगों ने कुछ ना कुछ तो बनाया है और प्रॉफिट बुक कर लिया, ये बड़ी बात है। ठीक है, कल प्रॉफिट बुक कर लिया, ये बड़ी बात है। ठीक है यार, बीच में कुछ न्यूज़ मिलती रहती है, पोस्ट करता रहता हूँ। मेरी क्रिसमस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, US डेप्ट सीलिंग हाइक ये रेस कर रहे हैं, तो ठीक है। देखो किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी बहाने ये लोग कोशिश करेंगे कि साल का अंत बड़ा अच्छा हो ताकि क्रेडिट लिया जा सके। हिस्टोरिकली 2021 में क्या ज़बरदस्त काम किया गया सेंट्रल बैंक्स, US फेड, गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक है यार, चलो वीडियो क्लोज करता हूँ। और जो ऑप्शंस जो मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक किए थे यही मुझे आज अच्छे खासे प्रीमियम में मिल जाएंगे, तो देखता हूँ आज क्या अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट खुल चुका है, मुझे कोई मतलब नहीं है, पेयर कर रखा है, कोई एंग्जाइटी नहीं है क्या होगा। इसी तरीके से प्रोफेशनली ट्रेड किया जाता है जिसको, हाँ, खुलने वाला, हाँ क्या ट्रेड डालूँ, खुजली रहती है ना, वो ज़्यादातर लॉस ही करता है। ठीक है यार, कहाँ भागा जा रहा है। तो ये सब जो प्रीमियम्स हैं और ये अच्छे खासे मिल जाएंगे मुझे, और देखूँगा जहाँ एक्सपायरी पे कॉल रेटिंग होगी, जो भी मौका मिलेगा वहाँ पे मैं लो पोजीशन साइज रख के ही ट्रेड करूँगा। ठीक है यार, तो आज मैंने काफ़ी कुछ नई चीज़ें बताई हैं, ये सब चीज़ें देखो, मूविंग एवरेज का चैनल हुआ, ठीक है, डायरेक्शनल इंडेक्स हुआ, ये सब देखो। चलो यार वीडियो क्लोज करता हूँ, बाय। खुद की मेहनत खुद करो, ठीक है, वही मैं बोलता हूँ हमेशा, खुद की मेहनत खुद करो, कोई तुमको नहीं बता सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही काम आने वाला है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि क्या चीज़ें देखना चाहिए, बाकी आप चाहता हूँ खुद मेहनत करो, खुद पढ़ोगे, खुद गलती करोगे समझने में, एग्जीक्यूट करने में, तो लाइफ टाइम सीख पाओगे। कोई बता देगा तो शायद हो सकता है 1 महीने के बाद, 1 महीने सीखो फिर भूल जाओ, इसीलिए भाई खुद की मेहनत खुद करनी चाहिए, मैं तो ऐसे ही बनाऊँ। चलो यार भाई।